एक्सीडेंट होकर गया। ओहो ये गाय देखो एकदम पीछे देखो पूरा लेंटर टूट रखा है। वो क्या व्यू आ रहा है इस टाइम पे सामने का। मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूके 14 ब्लॉगर में और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है सो कीप सपोर्ट। और मैं आज जाने वाला हूँ गाँव तो आइए मिलते हैं। सो पहले मुझे कराना पड़ेगा फिलअप जाते हैं पेट्रोल पंप। और यहाँ देखिए रिएक्शन और ये सामने मेरे माँ भद्रकाली का सिद्धपीठ मंदिर। जय माता दी। और यहाँ से लेना हमने लेफ्ट टिहरी के लिए क्योंकि मेरा गांव टिहरी साइड पड़ता है। जय माता भद्रकाली। और यहाँ से ऋषिकेश का व्यू आता है छोटा सा, बाकी बहुत सुंदर व्यू वहाँ से आता है ऊपर से नरेंद्रनगर से। विंडो ही सारा होगा मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे हवा ठीक ठाक ही चल रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। आगरा खाल 20 किलोमीटर। ओके अभी हो रहे हैं 1:52, देखते हैं 20 किलोमीटर कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं हम। गाइस आज मुझे गांव जाना है, उसके बाद जो काम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वो निपटा के कल सुबह वहां से चलना है और घर पहुंचना है। घर भी नहीं, हाँ पहले घर पहुंचना है फिर ड्यूटी पे जाना है। दिन की ड्यूटी है। चलो नए नगर का मार्केट देख लिया जाए। नंदी महाराज जी इधर एक जो रास्ता है ये हमारा जाता है रानी पोखरी के लिए, शॉर्टकट देहरादून। यहाँ से हम देहरादून भी जा सकते हैं और वो शॉर्टकट इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर कोई नटराज से होके घूम के ना आना पाए। इधर की तरफ से जाती है ये रिवो रोड आनंदा होटल आनंदा की। ओके मौसम मस्त होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बादल आ रहे हैं। बस एक चीज़ का डर है बारिश ना ऊपर की तरफ गांव में, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत जल्दी होती है ऋषिकेश के कंपैरिजन में। ओ रोड ख़राब क्योंकि ये रोड मैं जब भी आता हूँ ये रोड ख़राब ही दिखती है मेरे को, यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है। चलो मैनेज करते हैं जैसे हमेशा करते हुए आए हैं। चलो फिर आप देखते हैं। ओहो ये गाय देखो एकदम पीछे बैठी है। देखो कोशिश करता हूँ अगर साइड में आए तो। आजा आजा ले ले। गाइस के लिए मैं कुछ करता हूँ, घास पत्ते तोड़ के लाता हूँ ताकि इनका एक्सीडेंट ना हो, वरना मुझे हमेशा अगले याद रहेगा कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर पाया कभी। ले आजा
चल आजा आजा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। आजा आजा ले, चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, रोड के बीच में था। चलो क्योंकि जब हिल्स से गाड़ी आती है तो पता नहीं रहता, बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है, इसलिए चलो मैं साइड में ला गया इनको। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, मेरे से उम्मीद लगाए बैठी लेकिन मैं निकले कुछ नहीं लाया। मैंने प्यार ही कर सकता हूँ फिलहाल, यहाँ दुकान दुकान कुछ नहीं है जो कि मैं खिलाऊं उनको। गाइस मुझे बहुत डर था, और मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं कोई एनिमल्स वगैरह से देखता हूँ। चाहता हूँ अगर मेरे से कोई हेल्प हो सके तो मैं करूँ। अब वो बीच में रहती है गाड़ी, एकदम से स्पीड से आती है वहाँ से, गाड़ी खुद भी नहीं संभल पाती, तो दोनों तरफ से नुकसान दोनों का है। ये देखो हिल्स का व्यू। ओके ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा लेंटर टूट रखा है, और ये कंस्ट्रक्शन बेकार हुआ, गलत हुआ इसलिए टूट रखा है वो, या फिर हो सकता है देखो मेन रोड पे गाड़ी बैक कर रहा है बंदा, क्या होता है ये कू। मुझे लेना यहाँ से लेफ्ट, मुझे लगा यहाँ ट्रैफिक नहीं है। ये रोड जो पीछे है वो रॉन्ग लॉन्ग रास्ते से आती है, इसलिए मैंने शॉर्टकट लिया, गली गली से आ गया मैं चम्मा से। स्पीड तो देखो क्या पड़ रही है एकदम। और ये धन सिंह रथी देवता के मंदिर हम लगभग पहुंच गए हैं, वो सामने है मंदिर। और इधर देखो रोड खराब है, और ये मंदिर दिखाता हूँ आपको, सामने ये मंदिर है इधर, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस मंदिर है। जय रथी देवता, जय धन सिंह देवता, जय। वो टीरी जेल यहाँ से भी दिख रही है देखो सामने, वो सामने। और आपको कुछ बताऊँ, यहाँ से हमें शायद टीरी झील भी दिख सकती है, या फिर आगे एरी, ये देखो टीरी झील। और आगे से हमें डोगरा चाटी भी दिखता है। चलो चलते हैं फिर। अरे प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। ओके ध्यान से जाएंगे, आराम से जाएंगे और पहले जाएंगे।
क्या धूल उड़ रही है, आगे डंपर आ गया है। अरे ही कहते हैं ओके, बहुत ज्यादा खराब रोड आने वाली है। और बस ये रोड यहाँ पे हो गई पूरी, अब आएगी सही वाली अच्छी रोड। देखो सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वो इसके लिए रुकना तो बनता है। आप देख रहे हैं क्या रिएक्शन। ओह क्या व्यू आ रहा है इस टाइम पे सामने का। आई थिंक मेरा गांव सामने है और मैं पहुंच ही गया। अबे ये तो रहा मेरा गांव। रास्ता भी बन गया। वो मैं पहुंच चुका हूँ अपने गांव सामने, यह है सांकरी।